गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज गौरव। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ जी कैम। सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेल्टन एटोमिक थ्योरी एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद इट्स पोस्टुलेट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लिमिटेशन। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डेल्टन एटोमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पोस्टुलेट के साथ साथ उसकी लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि हम लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। इतना क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहने वाला है डेल्टन एटोमिक थ्योरी। क्या रहेगा? डेल्टन एटोमिक थ्योरी। अब डेल्टन एटोमिक थ्योरी किसने दी थी? इसके नाम से ही क्लियर है, ये जो थ्योरी दी थी वो जॉन डेल्टन ने दी थी। बच्चों, किसने दी थी? जॉन डेल्टन ने दी थी। कब दी थी? ये दी थी अराउंड 1808 के आसपास। क्लियर? तो बच्चों, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मैटर के ऊपर काम किया था, जिन्होंने बताया था कि मैटर के जो एटम्स होते हैं, जिन जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनको हम लोगों ने एटम बोला था। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली? इन्होंने बोला कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या बोला था? कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसको नाम दिया गया था एटम। तो पहला पोस्टुलेट क्या बनेगा इनका? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। क्या बोला? कि जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो इतना छोटा पार्टिकल है बच्चों, जिसको हम लोग बिना किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं देख सकते। ठीक है? और छोटे से पार्टिकल को नाम क्या दिया इन्होंने? इन्होंने बोला कि वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। इतना क्लियर? उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोलते हैं? कि जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के, क्या बोलते हैं? कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके बहुत सारे रिस्पेक्ट सेम होते हैं। उनका एटॉमिक मास सेम मिलेगा, उनका साइज सेम मिलेगा, उनकी वैलेंसी सेम मिलेगी, और उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी ही होंगी। तो देखिए क्या बोलता है सेकेंड पॉइंट, कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम्स होंगे किसके? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are identical in all respect. Atom of same element are identical in all respect. अब वो किसके रिस्पेक्ट में है? उनका मास सेम होगा, ठीक है, उनका साइज सेम होगा, और उनका एंड ऑल्सो वैलेंसी, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ आल्सो की जगह हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट वैलेंसी और एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं। लेट अस सपोज मैंने सोडियम के चार एटम लिए। ठीक है, कितने एटम लिए बच्चों? मैंने सोडियम के चार एटम लिए। पहला जो सिंबल होगा हर एक एलिमेंट का, सोडियम के जितने भी एटम है सबका सिंबल Na से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इतना क्लियर? इसका साइज और बाकी दो का साइज भी सेम रहने वाला है। इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। मतलब इन्होंने क्या बोला कि इस सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो बाकी सब के अंदर भी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन ही मिलने वाले हैं। और मास भी सेम होगा, इसका मास अगर 22.5 है तो इसका भी 22.5 होगा, और बाकी दो का भी क्या होगा? 22.5। इतना क्लियर? अब साथ में क्या बोलते हैं, इस सोडियम की वैलेंसी अगर प्लस वन है तो इसकी भी प्लस वन, इसकी भी प्लस वन और इसकी भी प्लस वन होगी। तो ये इन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बोला था कि जो एलिमेंट हैं सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। इतना क्लियर? तो ये थे बच्चों दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। उसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट की बात करेंगे। ये सब उतार लिया ना सब लोगों ने? रफ कर दूँ? बहुत बढ़िया। तो देखिए अब थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोलता है, जो डिफरेंट एलिमेंट हम लेते हैं उनके एटम भी डिफरेंट होंगे। कैसे? क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेट क्या बोलता थर्ड पोस्टुलेट इनका, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव
different atomic mass. Is it clear? Have different atomic mass and also have different chemical properties and also have different chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर बच्चों? ये समझ में आया ना? अब इसके एग्जांपल लेके और इसको और अच्छे से कवर करते हैं कि थर्ड पोस्टलेट में क्या बोलता है. देखिए बात करेंगे, मैंने दो वही दोबारा से लिए, एक मैग्नीशियम लिया एग्जांपल, एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट लिया मैंने क्लोरीन. क्लियर? क्या बोलता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, एक मैग्नीशियम एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन एटम एलिमेंट है. मैग्नीशियम का मैंने एक एटम लिया और क्लोरीन का भी मैंने एक एटम लिया. यहाँ पर इनकी, इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसकी वैलेंसी प्लस 2 होगी, इसकी वैलेंसी माइनस 1, एंड आल्सो हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. इसका मास है 24 और इसका मास है 35.5. बताओ इतना क्लियर ना? कहते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और साथ में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. इतना क्लियर? अच्छे से क्लियर, तो शाबाश. अब देखिए जो फोर्थ पोस्टलेट है, फोर्थ पोस्टलेट में क्या बोलता है? एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम और कंपाउंड मॉलिक्यूल. कहते हैं चाहे एटम आपके सेम एलिमेंट के हों, चाहे एटम्स आपके डिफरेंट एलिमेंट के हो, जब भी वो कंबाइन होते हैं, क्या बोलता है, जब भी वो कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड एटम और कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो लिखेंगे इस बात को भी, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे सेम एलिमेंट के हों या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हों, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, इज इट विजिबल ना? दिखाई दे रहा सबको ये? कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम. हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एटम बोलेंगे. अगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे. बच्चों बताओ फोर्थ पोस्टलेट सबको क्लियर है ना? कंपाउंड मॉलिक्यूल, एग्जांपल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई. मैंने एक हाइड्रोजन लिया, दूसरा हाइड्रोजन लिया, दोनों गिव्स करके क्या कर रहे हैं? हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं. बताओ इतना क्लियर? ठीक, एक हाइड्रोजन लिया, दूसरा क्लोरीन लिया और दोनों मिलकर HCl हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं. इतना क्लियर? हालांकि बैलेंसिंग हम बाद में करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2 होगा, Cl2 होगा, ये 2HCl देगा, वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ना है, जस्ट हम लोग कंबाइन करना सीख रहे हैं. इतना क्लियर? तो ये थे बच्चों चार पोस्टलेट, सबको क्लियर ना? अब फिफ्थ पोस्टलेट की बात करते हैं, फिफ्थ पोस्टलेट में क्या बोलता है. तो बच्चों फिफ्थ पोस्टलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे. फिफ्थ पोस्टलेट में क्या बोलता है? कहता है जब एटम आपके सेम एलिमेंट हो, चाहे डिफरेंट एलिमेंट हो, जब उनके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका रेशो क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशो होता है. ऐसे 1:1 की 1 ग्राम 2 ग्राम से मिलकर कंपाउंड बना रहा है, 2 ग्राम 4 ग्राम से मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा है, इज इट क्लियर? तो वो रेशो क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशो होता है. तो लिखेंगे फर्स्ट फिफ्थ पोस्टलेट को क्या बोलता है. व्हेन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशो. इज इट क्लियर? दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. बताओ इतना सबको क्लियर है ना? अब बच्चों होल नंबर रेशो कैसे सिंपल होता है, उसके लिए आप लोग को पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा. लेक्चर क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में मैंने ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर करवाया है. 1:1 होगा, 2:1 भी हो सकता है, या फिर हम बात करें 1:2, यहाँ पर कुछ भी उनका रेशो हो सकता है, मगर वो रेशो कैसा होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशो होने वाला है. इतना क्लियर? शाबाश. अब सिक्स्थ पोस्टलेट को देखते हैं. कहता है जब एटम होते हैं सेम एलिमेंट के,
किसकी बात करेंगे हम, जब एटम होंगे सेम एलिमेंट के, जब वो कंबाइन करेंगे और उनका कंबाइन होने का रेशो डिफरेंट है तो वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर? कहता है व्हेन एटम कंबाइन टुगेदर, एटम कंबाइन टुगेदर, या फिर इसको और मॉडिफाई करें तो लिखेंगे व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन टुगेदर, में कंबाइन टुगेदर टुगेदर टू फॉर्म मोर देन, में कंबाइन टुगेदर इन अ डिफरेंट रेशो, बच्चों यहां एक लाइन लिखना भूल गए हम लोग, इन अ डिफरेंट रेशो, रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब ये बात थोड़ा गहराई से समझेंगे, वन कंपाउंड। अब बच्चों देखिए, कहता है कि अगर हम लोग दो एटम, दो एलिमेंट लेते हैं और उनके एटम को डिफरेंट रेशियो पर कंबाइन करवाते हैं तो उनके कंपाउंड भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने एक सल्फर लिया, दूसरा लिया ऑक्सीजन, और इन्होंने दिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इज इट क्लियर? यहां पर अगर मैं रेशियो देखूंगा तो सल्फर का रेशियो कितना होगा, सल्फर का रेशियो होगा 16 ग्राम, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन का रेशियो अगर मैं देखता हूं और उसका भी रेशियो कितना होगा, 16 ग्राम। इज इट क्लियर? तो आगे बात समझ, और यहां पर इनका सम होगा। दूसरा हम लोगों ने एग्जांपल लिया सल्फर एंड ऑक्सीजन O3 मैं लेता हूं तो यहां पर 16 ग्राम, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो यहां पर अगर मैं रेशो देखूंगा ऑक्सीजन का, ये रेशो तो क्या रहेगा, इनका फिक्स रहता है। दूसरा जो ऑक्सीजन एटम हम लोगों ने लिया है, इनका रेशो क्या होगा, 16:32, ठीक है। पहले 16 ग्राम था, 16:16, तो इसको लिख सकते हैं 1:1। अब कितना हो गया, 1:2। देखिए मैंने रेशो को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मुझे कंपाउंड में क्या मिला, दूसरी टर्म में मुझे कंपाउंड मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज इट क्लियर? यहाँ 32 ग्राम, और यहाँ इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। इज इट विजिबल? सहेली दिखाई दे रहा है ना सबको, बहुत बढ़िया। अब क्या बोलते हैं, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन टुगेदर इन अ डिफरेंट रेशो, अगर जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो डिफरेंट रेशो पर कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। हम लोगों ने क्या लिया, एक सल्फर लिया, दूसरा ऑक्सीजन लिया। अगर मैं इसको सिंपल लिख दूँ तो क्या बनाऊंगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाऊंगा। क्लियर? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, ये O2 था तो ये O2 बन गया। अगर मैंने इसको रेशो ही चेंज कर दिया तो मुझे पूरा का पूरा जो कंपाउंड, नया एटम या मॉलिक्यूल आप लोगों को मिलेगा, मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलेगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हमारा 6th पोस्टुलेट भी यही बात बोलता है। इतना क्लियर सबको? तो देखिए अब हम बात करेंगे 7th पोस्टुलेट की। किसकी बात करेंगे, 7th पोस्टुलेट की। तो बच्चों बात करेंगे 7th पोस्टुलेट की। 7th पोस्टुलेट में क्या बोलता है कि जो एटम होता है वो छोटा पार्टिकल होता है, दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इज इट क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बोलता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल That take part in a chemical reaction. अब बच्चों इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी बनी थी आगे जाके, क्योंकि इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या बोलता है, इन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना पूरा का पूरा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, मगर हम लोगों ने पढ़ा है एटम के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम के न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, फर्दर हम लोग जब लिमिटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। अब लास्ट जो इनका पोस्टुलेट है वो बनता है, इसमें कहता है An atom
कैन नेदर बी क्रिएटेड, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एटम को जोड़ सकते ना ही एटम को तोड़ सकते। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बोलता है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड इंटू, कैन नॉट बी चेंज्ड इंटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये सबको क्लियर है ना पॉइंट बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एटम ऑफ अदर एलिमेंट, क्योंकि ये दो लास्ट वाले जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ये ही इसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी बनने वाली है। तो क्या बोलता है, एन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिसको आसान सी भाषा में आप लिख सकते हो कि एक एटम को, लेट अस सपोज सोडियम का एटम है, उस सोडियम के एटम को आप ऑक्सीजन या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम कोई भी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसकी सब लास्ट पोस्टलेट थी और यही फर्दर जाके क्या बन जाएगी, इनकी लिमिटेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो ये थी बच्चों हमारे पास 8 पोस्टलेट पढ़े हैं हम लोगों ने किसके, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। इज इट क्लियर? तो आप लोग इसको अच्छे से साफ से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे किसकी, तो बच्चों अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की, किसकी बात करेंगे, लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, देखिए डाल्टन ने क्या किया, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे बड़े अच्छे से काम किया, हर लॉ को इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, मगर जब ये गैसियस वॉल्यूम के बारे में बताने लगे तो वहाँ पर इनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। इज इट क्लियर? तो इसी बात को हम लिखेंगे, फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोलती है कि इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जितने भी लॉ थे केमिकल कम्बिनेशन के जो वेट से रिलेटेड थे उनको इसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय वेट, क्लियर, कम्बिनेशन बाय वेट। बच्चों अपने नोट साथ के साथ बनाते रहना, ठीक है, बाय वेट, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इज इट क्लियर? इतना समझ आया सबको? गुड। अब इसको समझते हैं थोड़ा, क्या बोलता है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन था बाय वेट, इस पर उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन क्या दी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलता है, जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। लेट अस सपोज कार्बन प्लस O2 मिलकर दे रहे हैं CO2, जो लेट अस CO2 का मास मैंने 44 ग्राम लिया है तो यहाँ पर इनका मास भी कितना होगा, उतना ही होगा, 12 + 32 = जो मास होगा रिएक्टेंट का वही मास होगा हमारा प्रोडक्ट का। अगर मैं रेशो की बात करूं, कहता है जितने इनका जो रेशो होगा कंबाइन होने का वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो होगा। इज इट क्लियर? मगर ये जब लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में बताने लगे थे वहां पर ये फेल हो गए थे। कैसे, इन्होंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस का और हमें मिलता है 2NH3, क्या मिलता है 2NH3, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो कहता है 1 volume ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 volume ऑफ हाइड्रोजन गिव्स टू 2 volume ऑफ अमोनिया, क्लियर है ना। तो ये नहीं बता पाए कि 1 और 3 2 कैसे हो गया, आगे बात समझ, ये नहीं बता पाए थे कि 1 और 3 होना चाहिए था 4, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हुआ कि जितना रिएक्टेंट का मास हुआ वैसे ही जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम हुआ उतना ही प्रोडक्ट का वॉल्यूम होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, तो इसके बारे में भी ये नहीं बता पाए थे। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों इनका फर्स्ट लिमिटेशन। अब बात करेंगे सेकेंड लिमिटेशन की, बात करेंगे बच्चों सेकंड लिमिटेशन की, किसकी बात करेंगे, सेकंड लिमिटेशन कहता है इट कुड नॉट एक्सप्लेन
why the atom of जो एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इस लिमिटेशन को भी थोड़ा समझते हैं. कहता है कि लेट अस सपोज, कहता है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट मैंने लिया सोडियम एंड मैग्नीशियम या सोडियम एंड सल्फर लिया. कहता है जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 16, मास होगा 22.5 और 32. तो ये नहीं बता पाया क्या रीजन था कि वो क्या रीजन था कि सोडियम और सल्फर था जो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है. ये नहीं बता पाए कि इनका मास सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है. इतना क्लियर. बात करेंगे थर्ड पोस्टलेट की. किसकी बात करेंगे? थर्ड पोस्टलेट की. कहते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एट ऑल. व्हाई द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म कंपाउंड. कि जो एटम होते हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट के, वो क्यों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करने के बाद वो कंपाउंड बनाते हैं, उसके बारे में भी ये नहीं बता पाए थे कि वो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है. मतलब स्टेबिलिटी के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं. ये इन्होंने जस्ट इतना बताया कि जो एटम होते हैं वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मगर ये नहीं बताया कि वो क्यों रिएक्ट करती हैं, क्यों आपस में कोई नया कंपाउंड बनाते हैं. इतना क्लियर. तो ये थे बच्चों तीन पोस्टलेट. बात करेंगे फोर्थ पोस्टलेट में. तो फोर्थ पोस्टलेट में क्या बोलता है? बात करेंगे बच्चों फोर्थ पोस्टलेट की. किसकी बात करेंगे? फोर्थ पोस्टलेट की. फोर्थ पोस्टलेट में क्या बोलता है? क्लियर. फोर्थ पोस्टलेट में ये नहीं बता पाए थे कि जो एटम होते हैं, दो एटम आपस में कंबाइन हुए तो उनके बीच में कौन सी फोर्स थी, दो मॉलिक्यूल जब बने, कोई मॉलिक्यूल बना, उसके बीच में कौन सी फोर्स थी. इज इट क्लियर? तो लिखेंगे वाई, या फिर लिखेंगे इट कुड नॉट. दिखाई दे रहा है सबको साफ? पक्का? इज इट क्लियर? रिज्यूम करिए. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम की बात करें और मॉलिक्यूल की बात करें कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में, बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल. ठीक है, तो क्या बोलता है कि ये जो जॉन डाल्टन था उन्होंने नहीं बताया था कि जो एटम, दो एटम आपस में मिलकर कुछ बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं, कि वो क्यों बना रहे हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्स है, उनके बारे में नहीं बता पाया. क्योंकि जो वो फोर्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी के बिहाफ पे विच अकाउंट फॉर द, उसी के बिहाफ पे हम लोग पता करते थे कि मैटर की कितनी स्टेट होती है. विच अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन थ्री स्टेट्स. फिलहाल आज के टाइम में तो काफ़ी स्टेट हो गई हैं, चार, पाँच से छः स्टेट हो गई हैं, मगर जब इन्होंने थ्योरी दी थी तो वो क्या थी कि इन्होंने क्या बोला था कि जो इट, इन्होंने नहीं बताया था कि जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स होती हैं, वो कब कितना पास होंगे और कब दूर होंगे और कब बहुत ज़्यादा दूर होंगे, जिसके बिहाफ पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन करते हैं. क्लियर? कहते हैं विच अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन थ्री स्टेट्स. तो ये भी सबसे बड़ी इनकी क्या थी बच्चों? लिमिटेशन थी. क्या थी? लिमिटेशन. अब फिफ्थ लिमिटेशन है हमारी, जो आज के इस लेक्चर की लास्ट लिमिटेशन रहेगी, वो लिमिटेशन भी बहुत अच्छी है. क्लियर? इन्होंने क्या नहीं बताया? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं बताया था.
क्या नहीं बताया, इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। जब इनसे पूछा गया तो तब भी इनके पास कोई सेटिस्फाइड रीजन नहीं था उसको एक्सप्लेन करने का। इतना क्लियर? तो लिखेंगे, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जिनको इन्होंने क्या बोला, एटम बोला, एंड द अल्टीमेट पार्टिकल, एंड द अल्टीमेट पार्टिकल एंड द अल्टीमेट पार्टिकल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अंतर नहीं बता पाए थे क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन्होंने वो बोला था, ठीक है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और मॉलिक्यूल क्या था, वो अल्टीमेट पार्टिकल, वो पार्टिकल जो क्या करता है, खाली एग्जिस्ट फॉर्म में, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, हम लिखेंगे यहां पर द अल्टीमेट पार्टिकल विच मे और मे नॉट, जो आपका एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और कई बार वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये थी बच्चों डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन, क्या थी लिमिटेशन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टलेट को डिस्कस किया और साथ में इनकी लिमिटेशन को डिस्कस किया। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी जो इनकी मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इतना क्लियर? तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो लॉकडाउन में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।